नमस्कार भाइयों, मैं आपका दोस्त मोहित पारीक और आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल बीकानेर बर्ड इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, जब बजरी तोते एक कॉलोनी में ब्रीडिंग करते हैं, जब अलग अलग मटकियों में अलग अलग पेड़ ब्रीडिंग कर रहे होते हैं और जब उनके बच्चे निकलते हैं, उस दौरान कुछ मटकियों में पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़्यादा फीडिंग करवा देते हैं या कुछ बच्चों की मटकियाँ ज़्यादा गिली होने लगती है, पेरेंट्स ज़्यादा पानी की फीडिंग करवा देते हैं। मटकियाँ गिली होने की वजह से वो जो बच्चे हैं, बच्चों के परों की शाइनिंग अच्छी नहीं रहती, फिर वो गंदगी बच्चों पर चिपकती है। बजरी तोतों के बच्चों की पोटी वो उनकी चोंच पर, उनकी टेल पर, उनके सर पर चिपक जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा इस तरीके के बच्चों को किस तरीके से सेट किया जाता है, किस तरीके से उनकी मटकी की सफाई की जाती है। और अगर हम मटकी की सफाई ना करें, अगर मटकी खराब रहे, तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, बच्चों को क्या नुकसान हो सकता है। अगर मटकी को साफ करना है तो किस तरीके से करें, तो सबसे पहले मैं आप सभी को लेके चलता हूँ उस मटकी की तरफ। दोस्तों, ये जो नीचे की मटकी है, यही है वो मटकी। दोस्तों, आप मटकियों को देखें, ये मटकी सुराख के नीचे आपको कुछ गंदगी चिपकी हुई दिखाई दे रही होगी। इसका रीज़न ये है कि अंदर जब पानी ज़्यादा रहता है फर्श पे और काफ़ी ज़्यादा गंदगी रहती है, पेरेंट्स जब अंदर जाते हैं बच्चों को फिटिंग करवाने के लिए, उनके जो पैर हैं वो ख़राब होते हैं, फिर वो जब यहाँ पे बैठते हैं तो ये जगह भी ख़राब होती है। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं। इस मटकी में दोस्तों आपको याद होगा, एक फीमेल के साथ में तीन मेल की पेयरिंग थी, जो कि दो मेल आपको बैठे नज़र आ रहे हैं, एक मेल यहाँ पर बैठा है, वो आप देखें वो रहा। मतलब एक फीमेल के साथ में तीन मेल। और इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ये हो सकता है पैर बच्चों को ज़्यादा फीडिंग करवा रहे हो और उस वजह से जो है वो बच्चों की मटकियाँ ख़राब हो रही हो। तो आप एक बार देखें दोस्तों, ओहो, आप एक बच्चे की कंडीशन देखें, उसके पूरे सर के ऊपर पोटी हो रखी है और सभी बच्चों के चोंच के ऊपर आप देखें पोटी चिपक रखी है। और छह बच्चे हैं दोस्तों। और कई बार क्या होता है, इस तरीके से गंदगी चिपकने से या मटकी खराब होने से बच्चों की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो अब इस मटकी को खोलते हैं, नीचे उतारेंगे, बच्चों को बाहर निकालेंगे, फिर इस मटकी की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे, फिर इस मटकी को वापस लगा देंगे। तो प्रोसेस आप सभी के साथ में शेयर करते हैं, किस तरीके का प्रोसेस होता है, कैसे सफाई होती है। और आप एक बार फर्श पे देखें दोस्तों, कितनी गंदगी जमा हो रखी है, बहुत ज़्यादा गंदगी। और ऐसे में बच्चों के पैर ख़राब हो सकते हैं, पैर मुड़ सकते हैं अगर छोटे बच्चे हो, और बड़े होने के बाद में थोड़े चांस नहीं रहते पैर मुड़ने के। इस तरीके से दोस्तों, जब चोंच के ऊपर गंदगी लगी हो, कई बार बच्चे जो है मुँह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि नाक उनका जब बंद रहता है तो मुँह से सांस लेते हैं। इस दौरान कई बार बच्चे मर भी जाते हैं और कई बार पैरों पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी चिपकने की वजह से पैर मुड़ भी जाते हैं, काफ़ी बार सही तरीके से काम भी नहीं करते। इस तरीके की कई समस्याएं आती हैं। और कई बार दोस्तों, जैसे आप देखें टेल के ऊपर जो है गंदगी चिपक रखी है, ऐसे में जो है अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होती बच्चों की। दोस्तों, आप एक बार इस बच्चे की कंडीशन देखें, मतलब इस बच्चे की आँख पर भी ये गंदगी चिपक रखी है, मतलब ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है टेल के ऊपर गंदगी। तो इस तरीके के बच्चों के मरने की भी कंडीशन हो जाती है, काफ़ी कमज़ोर है ये बच्चा। अगर इसकी हम सफाई नहीं करेंगे मटकी की, तो शायद ये बच्चा कुछ दिनों में मर जाएगा, और काफ़ी कमज़ोर बच्चा है दोस्तों। तो इस मटकी को उतारते हैं और सफाई करते हैं इस मटकी की। तो दोस्तों, आप देखें कि इस मटकी को हमने नीचे उतार दिया है, और उतारने के बाद सबसे पहले हमें करना ये है कि इस मटकी के अंदर जो बच्चे हैं, बच्चों को दोस्तों इसके अंदर डालेंगे। दोस्तों, इस मटकी के अंदर छह बच्चे हैं और बच्चों की कंडीशन भी आप देखें। सबसे पहले दोस्तों हम मटकी की सफाई करते हैं। मटकी के फर्श के ऊपर काफी ज्यादा गीली गंदगी चिपकी हुई है दोस्तों। ऐसे में एक नुकसान ये भी है, जब मटकियाँ गिली होती है रात के समय दोस्तों, थोड़ा सा टेम्परेचर लो होता है, ठंड बढ़ती है, उस समय ये मटकियाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो जाती है और इस दौरान जो है बच्चे मर भी सकते हैं।
दोस्तों मटकी कभी भी, आप याद रखें, मटकी कभी भी गिल्ली नहीं होनी चाहिए। मटकी अगर गिल्ली रहती है ऐसे में हमें कई नुकसान है जो कि मैंने आपको बताए हैं, और यहाँ तक कि सबसे बड़ा नुकसान कि बच्चे भी मर सकते हैं, बच्चों को जुकाम लग सकता है। और मटकी की सफाई होने के बाद में दोस्तों इसके अंदर हम डालते हैं बुरादा वुड शेविंग, जो लकड़ी की छीलन होती है जो, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। ये दोस्तों गर्म रहती है और ख़ास तौर पे ये मटकियों को गिली नहीं होने देगी। और ये डालने के बाद में दोस्तों अब हम बच्चों की सफाई करते हैं। जैसे कि ये बच्चा है, आप इस बच्चे का कलर देखें, काफ़ी शानदार कलर है, सबसे बड़े साइज का बच्चा है ये, और वाइट पाइड। इस बार दोस्तों सेटअप में काफ़ी क्वांटिटी में वाइट पाइड बच्चे निकले हैं, वो सभी आप सभी को बताएंगे। इसके दोस्तों तेल के ऊपर है थोड़ी सी गंदगी, इसे हम उतार देते हैं। फ्लाइंग फेदर पर भी दोस्तों गंदगी चिपक रही है। दोस्तों काफी आसानी से हाथ लगाते ही ये गंदगी साफ हो रही है, क्योंकि ये अभी गिल्ली है और सूखने के बाद जैसा कि आपको मैंने बताया ये नहीं उतरती जल्दी से। उसके बाद दोस्तों नंबर आता है इस बच्चे का, तो इसके भी फ्लाइंग फेदर पर रखती है गंदगी। इस दौरान दोस्तों सबसे बड़ा नुकसान हमें एक ये भी होता है कि अब जैसे आप इस बच्चे की चोंच देखें, इस बच्चे की चोंच की ग्रोथ रुक गई, चोंच छोटी रह गई, इस बच्चे की चोंच काफ़ी छोटी है। तो अब दोस्तों हमने इस गंदगी को साफ कर दिया है। अब नंबर आता है अगले बच्चे का, दोस्तों जब ये गंदगी गिली होती है तो आसानी से साफ होती है, लेकिन ये गंदगी सूखने के बाद में कई बार बच्चे के ब्लड आने लगता है, पंजा टूट जाता है, या कई इस तरीके के नुकसान भी हो सकते हैं। ये आप देखें दोस्तों इसके सर की जो ग्रोथ है वो भी रुक गई दोस्तों, इसकी आंखें भी आप देखें थोड़ी खराब होने की कंडीशन में है। इस तरफ की दोस्तों आप आइस देखें और सही तरीके से खुली नहीं है, लेकिन शायद ये बच्चा सेट हो सकेगा, शायद ये बच्चा वापस सेट हो जाएगा, और हमारी यही कोशिश है। इसके अलावा दोस्तों आप इस बच्चे के देखें, इसके तो गंदगी काफ़ी कम चिपक रखी है, इसकी भी चोंच आप देखें, इस गंदगी की वजह से थोड़ी चोंच खराब हुई है, तो ऐसा होता है दोस्तों। तो आप मटकियों की सफाई करते रहें, अगर आप मटकियों की सफाई नहीं करेंगे तो इस तरीके के कई नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने मटकी की अच्छी तरीके से सफाई कर दी है, और मटकी की सफाई होने के बाद में आप देखें इसके अंदर हमने बुरादा डाला है, और सभी बच्चों की जो गंदगी चिपक रखी थी वो हमने हटा दी है, और अब वापस जो है वो इन बच्चों को ज़्यादा डिस्टर्ब किए बगैर इस मटकी को लगा देते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम तक हम मटकी को हटा के रखेंगे तो काफ़ी बार जो पेरेंट्स होते हैं, इनके जो पेरेंट्स हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो वापस इस मटकी को अब लगाते हैं। तो सफाई होने के बाद आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, तो दोस्तों आप देखें हमने मटकी को फिर से जो है लगा दिया है। मटकी को लगाने के बाद में अब पेरेंट जो है वो वापस मटकी के अंदर जाने लगेंगे। ये आप देखेंगे फीमेल ऊपर की मटकी में जो बैठी है, यही फीमेल है इस मटकी की। दोस्तों आप एक बार सभी बर्ड की क्वालिटी देखें, और यही रीजन है कि हमारे सेटअप पर अच्छी ब्रीडिंग होती है। और आज दोस्तों हमने बर्ड को खाने में चावल दिए हैं, बॉइल्ड राइस, और दोस्तों ये गंदा कर देते हैं चावल को थोड़ा सा। और इसके अलावा दोस्तों चावल के अंदर हमने आयुर्वेदिक कैल्शियम फॉर्मूला भी ऐड किया है,
ब्रीडिंग फॉर्मूला, जो कि आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें हमने आयुर्वेदिक ब्रीडिंग फॉर्मूले के बारे में बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वीडियो की लिंक आई बटन में आप सभी को मिल जाएगी। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको मजीद पैरेट की कलर क्वालिटी भी बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में आपने देखा कि हमने मटकी की सफाई की, और मटकी की सफाई ना करने से हमें क्या नुकसान होता है, और सफाई करने के बाद में हमें क्या फ़ायदा होता है, वो सभी चीज़ें मैंने आपको बताई। और अगर सफाई करनी है तो किस तरीके से की जाती है, और मटकी गंदी क्यों हो जाती है, उसका भी रीज़न मैंने आपको बताया। और काफ़ी बार दोस्तों जब मटकियों का साइज छोटा होता है, उस वजह से भी मटकियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, इसलिए आप बड़े साइज़ की मटकी रखें हमेशा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड का ख्याल रखें। बाय बाय फ्रेंड्स।